देश में कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन तीसरी लहर का डर लगातार बना हुआ है। आशंका इस बात की है कि तीसरी लहर बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। महीने भर की राहत के बाद फिर आई आफत। कई देशों में कोरोना ने फिर से तेजी से पसारे पैर। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं केस और मौत के आंकड़े। अब देश भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की भी तैयारी की जा रही है, यानी स्कूल अब बच्चों को बुला रहे हैं। एक तरफ स्कूल खोलने की तैयारी है तो दूसरी तरफ तीसरी लहर आने का अंदेशा, जिसे बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। और ऐसे में अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या सावधानी बरती जाए, उनके लिए वैक्सीन कब तक आ रही है और कोरोना संक्रमण बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब सीरो सर्वे की रिपोर्ट क्या ये बता रही है, ये कह रही है कि हाँ फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये सर्वे है जी, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है पूरी हिंदुस्तान की जनता का। और ये मान के चलना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन है तो कुछ ना कुछ हद तक ये सही आंकड़े होंगे। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, वेरिएशन कभी भी हो सकता है। सेफोलॉजिकल सर्वेस में आपको पता ही, बच्चों के अंदर भी ये देखा गया कि 60-70% इवन अगर देखें अर्बन सोसाइटीज के अंदर 78% बच्चों के अंदर भी इसमें सीरो सर्वे पॉजिटिव आया। दैट मींस उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं और उनके चांसेस कम है कि ये इन्फेक्शन हो। बट इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो ये है कि ठीक है, पिछले बार जब सेकेंड वेव भी आई थी हम लोग मुगालता खा गए। सब लोग सोच रहे थे कुछ नहीं होगा और ऐसी जबरदस्त वेव आई जिसने हमको सबको तबाह कर दिया। आई थिंक कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर कुछ कैटास्ट्रोफी ना हुई।